सो गुड मॉर्निंग भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप लोग अच्छे हो। आज फाइनली वो दिन है जब हम लोग मैच देखने जा रहे हैं। मैच ओवर रिएक्टिंग का पैसा काट रहे, तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच देखने। और उससे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने कुछ। यार मैं सोच रहा हूँ यार ये शर्ट नहीं मैं टी शर्ट पहनूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक दो स्टोर प्यूमा और एडिडास के, देखता हूँ कोई टी शर्ट पसंद आती है तो ले लूँगा, क्योंकि वहाँ गर्मी रहेगी यार और गर्मी तो अपने से झेली नहीं जाती। और भाई सीधा साधा अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी, सिंगल भैया जी आए और अब उधर का ट्रैफिक भी नहीं आ पाएगा, या तो इनको मैं जगह दूँ या मेरे पीछे जाएंगे ये। पता नहीं क्या मज़ा मिलता है यार ऐसे लोगों को, बेवकूफ़ हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं बस, इससे तो कुछ आता है नहीं। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों, पैसों के साथ बुद्धि और विवेक कभी नहीं आता। प्राइम एग्जांपल ये मीडियम आ रही है अपने को फिटिंग में, तो जैसे तो और अभी चार्ट पेपर पे भी लिखवाना है, अभी फ़ोन करता हूँ मैं अपने भाइयों को। सही भाइयों, शर्ट चेंज हो गई है, लार्ज एक्सेल ना एक्सेल। सब हम लोग यही पहन के स्टेडियम पहुंचेंगे सीधा, और ये कपड़े जा रहे हैं। तो भाइयों कटवाने के बाद प्यूमा स्टोर पे तो हुआ ये कि हमने पहले ये टी शर्ट एक देखी, तो सबसे पहली टी शर्ट 999 थी, तो जो प्यूमा के सेल्समैन थे उन्हें भी लगा कि सारी अब टी शर्ट 999 की हैं। हमने पहन ली, टैग वैग तोड़वा लिया, बिल काउंटर पे बिल बना 4000, अब 2000 ज़्यादा कैसे, तो पता चला 2000 की टी शर्ट है। सपोर्ट करने ज्यादा महंगा नहीं हो गया दोन भाई, हम तो चेन्नई सपोर्टर है। सो भाइयों अभी हम लोग जा रहे हैं सुल्तानपुर, भाइयों को उठाएंगे देव और पुलकित को, क्योंकि प्लान ऐसा है कि बाकी के दो हमारे स्पेक्टेटर्स देव और पुलकित ही हैं। और अपना प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग वहाँ पे यार कुछ चार्ट पेपर्स पे क्रिएटिव लिखेंगे, सो दैट हम कैमरे वाले भैया वैसे जनरली तो लड़कियों पे ही फोकस करते हैं, बट कोशिश ये रहेगी कि अगर मेल में वो करे फोकस तो बैग भी खरीद लिया जाए क्या लड़की बनने के लिए, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो कैमरे वाले भैया की फितरत को देखते हुए अगर अब ये है कि अगर लड़कों को फोकस करें तो कुछ फंकी कुछ अच्छा सा लिखना होगा, तो अभी चलेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएंगे। इस टी शर्ट को तो अब मैं 20 साल तक नहीं उतारूंगा जो कटा है ना भाई, ऐसा धोखा ऐसे पैसा कितना भी लगवा लो यार, बट एक होता है ना कि उम्मीद जग गई थी कि 999 की ही है ना बे पहले उनके हम लोग टैग भी कटवा दिए। तो भाइयों आ चुके हैं हमारे दो और स्पेक्टेटर्स पुलकित और देव, चार्ट पेपर भी आ चुका है, अब हम लोग कुछ लिखेंगे। गूगल करना है कि याद है कुछ आइडिया? अब क्रिकेट मास्टर बताएंगे मुझे थोड़ी इतना। अरे पता नहीं था घर क्रिकेट मास्टर भी है। हाँ क्या करना पड़ेगा, तो चलो ले आते हैं, बैठते हैं गूगल करते हैं और तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी क्या क्या हम लोग लिखते हैं। आप लोग देख सकते हैं दैट यूपी गाय कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई, सबकी मेहनत है, आओ सब लोग देखो क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग। When life gives you second chance, be fun, subscribe that you be guy. Looking for subscribers. अभी ये इधर देख रहे हैं कि सरप्राइज है। मैच के लिए हम लोग फुल ऑन एक्साइटेड हैं। राजू पेंटर और दिनेश पेंटर बैठे हुए हैं। अब मेरा हाथ सेट हो गया, मैं बंद करके भी पेंट करता हूँ। हम लोग देख सकते हो यार दैट यूपी गाय से मिलने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, वो लड़का पीछे दौड़ा दौड़ा आ रहा है, ये लड़की भी आ रही है, केस करते हैं, आ जाओ जल्दी भाई। देव को हमने थमा दिया है चार्ट पेपर और अब मेट्रो की तरफ चलेंगे, यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट, वहाँ से सीधा हम लोग पहुँचेंगे स्टेडियम के लिए वायलेट लाइन लेकर। सो so भाई गेट के बाहर कर दे, करने वाला ये गेट के बाहर जाएगा, नहीं कोई जरूरत नहीं अभी क्या पता परफॉर्मेंस जैसी हो चप्पल जरूर पड़ी जाए वहाँ ठीक है। तो भाइयों दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन उतरने के ठीक एडजेसेंट पे आपका है स्टेडियम अरुण जेटली, और तुम लोग देख सकते हो सामने गेट्स लगे हुए हैं और चलेंगे। हम लोगों का गेट क्या है वो देखो, हाँ 10 to 14 सामने है अपना गेट,
एंड वी आर प्रीटी मच एक्साइटेड बॉयज। तो भाइयों और भयंकर कट चुका है बाहर, बाहर टी शर्ट 200 की मिल रही है, हम लोग 2000 की ले, 2000 की लेके आए हैं। कोई बात नहीं, अब वैल्यू पता करो, चली जीरो टेबल। यस तुम लोग देख सकते हो, अभी शायद एंट्री चालू नहीं हुई है यार, चलते हैं देखते हैं। बंटी कह रहा ना अपना 13-14। तो गाइस ये, तो भाइयों अभी न्यूज़ 18 वालों को हमने दिया अपना इंटरव्यू, अब देखते हैं आता कब है। और कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है, तुम लोग देख सकते हो एवरीबॉडी इज़ हियर। और हमारा गेट ये है यार, चलेंगे। अभी तक एंट्री खुली नहीं है, क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 4:42, अभी तक एंट्री खुली नहीं है। तुम लोग देख सकते हो गेट नंबर 12 पे हम लोग घुसेंगे, और अपना फर्स्ट फ्लोर है तो स्टेयरकेस 4 लेंगे। लंबी लाइन लगी है, हाँ कुछ कह रहे हो? गर्मी बहुत है भैया, बन गई भीड़ तो। अभी करते हैं ठंडी का इंतजाम, बर्फ़ गिरवाते हैं वहाँ, पेट इस खाट और ख़राब हो गया। सो भाइयों हम लोग अंदर आ चुके हैं यार, और अपना फर्स्ट फ्लोर है तो गेट नंबर 4 से हम लोगों को अंदर जाना है। तुम लोग देख सकते हो पूरा खाने पीने का इंतज़ाम है, हर चीज़ है। बहुत ज़्यादा ही शोर है, क्यों? तो भाइयों हमने अपने सारे चार्ट पेपर यहाँ पे रख दिए ताकि कैमरे की फोकस में रहे पूरा। बंद भैया। तो भाइयों अभी तो बहुत नॉर्मल भीड़ है, तुम लोग देख सकते हो, और कुछ कुछ चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। और हमारे पोस्टर्स लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो, अब अभी बहुत अच्छी है। 4-5 सब्सक्राइब करो। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा तुम लोग तो आए हो ना टेस्ट, तो ये लोग टेस्ट मैच देख रहे हैं। कोशिश है ये गाइस सब्सक्राइब करा ले, देखते हैं असर क्या होता है। अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है, लोग आलसी हैं, जेब से फ़ोन नहीं निकाल ले। तारीफें हो चुकी हैं हम लोगों की, क्यूआर कोड का लग देख के लग रहा चंदा मांगने वाले हम लोग। इस पर तो बवाल हो चुका है गाइस, ये मेरा आइडिया था मेरा। इट्स नाइस यार, इट्स रियली नाइस। भाइयों सचिन भी आ रहा है, और जोश अचानक से बहुत हाई हम लोगों का, बहुत हाई। सचिन की एंट्री हो रही है कहाँ बाबा? बाबा कहाँ है? ओ अरे यार बहुत बेवकूफ बना दिया। मैं तो यही कहूँगा कैमरे वाले से कि यार हम लोगों को लो जल्दी से लो। यहाँ से देखेगा कैसे कैमरे वाला, देख ले यार सफेद कपड़ा, देख ले भाई कैमरे वाले बड़ी मेहनत लगी है। टिकट से महंगी तो करने को बवाल कर लेते, पीछे पुलिस बैठी। हाँ यार बैठने को तो टिकट से महंगी, हम लोग टी शर्ट पहन के आ गए गलती से। तो मौसम देखो कितना तगड़ा रखा है तुम लोग यार, पूरा आंधी तूफान की आशंका है, अब बस बारिश ना हो जाए। भाई 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 भाई, भाई बारिश नहीं चाहिए हमें, बारिश नहीं चाहिए। तुम लोग देख सकते हो पूरा दिखाता हूँ। मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है लेकिन मार बहुत ज्यादा, इतना मार है कि अब खड़ा नहीं हो पा। भाई अभी तक पैसा एक नंबर। तो भैया हम लोग को आइसक्रीम खिला रहे हैं, अभी पहला डीआरएस आ चुका है मैच का, और अभी देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। भाइयों कैच आपका कैच,
फाइनली कुछ लिक्विड में मिला है हमें, हो गया एक और रिकॉर्ड, आइसक्रीम मिली हमें 100 रुपए की, एक और मजा आ रहा है बेहतरीन। कितना बनेगा, कितना रन बनेगा? 240। 250 के पार बनेगा। कितना रन बनेगा भाई? भाइयों नीतीश को बहुत तेज लग गई है। तो भाइयों बवाल हो चुका है पीछे सीट को लेके। पहली इनिंग समाप्त, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। एंड भाइयों द वाइब इज रियली अमेजिंग, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे लगा था कि 300 तो पार हो जाएगा बंटी, बोर हो गया, बट 300 पार नहीं हो पाया किसी रीजन से। तुम लोग 5 6 ओवर में 100 120 रन था। तो भाइयों बड़ी मुश्किल से अपने को मिला 2 बोतल पानी का पीने का। और भाइयों सेकंड इनिंग चालू होती, पहला विकेट गिर चुका हमारा दूसरी बॉल पे, जस्ट अभी दूसरा विकेट गिरा 25 बॉल पे, तो काफी ज्यादा करोड़ का नुकसान हो गया। बाप रे बाप, इतना पैसा नुकसान हुआ, 2000 की टी शर्ट, 2000 करोड़, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। माहौल बहुत गर्म है, पुलिस वाले अंकल को क्या बवाल। डीसी हार चुकी है हमेशा की तरह, और हम लोग हमेशा की तरह जा रहे हैं घर की तरफ, और निकल के यहाँ से तुम लोगों को बताते हैं कि क्या सीन है। तो भाइयों फाइनली हमारा मैच एंड हो चुका है, और ऑलमोस्ट हमेशा की तरह डीसी हार चुकी है। कैसा रहा तुम लोगों का मैच एक्सपीरियंस? बढ़िया था, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, एंड में थोड़ा बोरिंग हो गया। बढ़िया बॉलिंग और बढ़िया फील्डिंग के बारे में कुछ बताओ। थोड़ा सा सिर पक गया था सुन सुन के। तो यार हमारे साथ एक लड़की बैठ गई थी हमारे पीछे, वो भाई साहब इससे ना तो मैंने बेसुरी आवाज़ जीवन में अपने सुनी है, ना मैं सुनना चाहूँगा, और हर बात पे इतनी तेज चलते, मतलब मेरी हूटिंग कर करके गला बैठा, उसका गला नहीं बैठा था पूरे पवेलियन में, एक ही सारे। हाँ, और मतलब हर कोई, एवरीबॉडी वाज इरिटेटेड अराउंड अस, बट अब क्या कर सकते हो यार, बेशर्मिंदगी की भी है, एंड शी ऑल्सो न्यू कि कुछ तो गड़बड़ है, जो बार बार लोग उसे देख रहे हैं, बट ठीक है, कहने को मैं क्या ही बोल सकता हूँ, एक डिसेंसी होनी चाहिए पब्लिक प्लेस में। अब वैसे तो फिर अब सर दर्द हो गया भाई, मैं लिटरली अब घर पे ही मैच देखूंगा, और तुम लोगों को भी कह रहा हूँ घर पे ही मैच देखो बैठ के, बहुत अच्छा है, आराम से चाय वाय पीते हुए जो पीना है पियो, मैच देखो। उस लड़की का फीडबैक बंटी से भी लेते हैं। हाँ यार, वो हंस भी रही थी और कोचिंग भी कर रही थी, सब कर रही, जो कर रही थी ना उससे मेरी रूह कांप रही थी, कान छुल गया, बालू कागज रगड़ के बोल रही थी, ताली बजा रही, उसमें भी चुप रहा था। अगर इतना नफरत में आज तक किसी से नहीं हुआ होगा। तो भैया अभी चार्ट पेपर का क्या करना है? यार देखो वैसे तो हम लोग ऑन स्क्रीन आ नहीं पाए, आए तो हमें पता नहीं चला, बट अब इस चार्ट पेपर का करेंगे, फोटो लेके तब तक पंत को टैग करेंगे जब तक पंत ये ना कहते हाँ भाई तुम लोग आए थे मैच देख के गए हो कसम से, क्योंकि पंत भाई ने जो आज खेला है ना भाई, दिल से खेला है अपने हमारे। तो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और हमेशा की तरह प्यार दो। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।